हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी बिल्कुल अपने घर पर सही होंगे। हमारे यूपी 19 व्लॉग्स की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो दीपक की शादी में जो बाल लगने के लिए जो तैयारियां चल रही थी वो किस तरीके से लगे, किस तरीके से हल्दी लगी है। मेरी सारी वीडियोज पहले से शूट करके रखी हुई हैं, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया कि उन वीडियो को मैं एडिट करके व्लॉग पे डाल सकूं, क्योंकि शादी में सब इधर उधर बिजी थे सभी लोग। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया वीडियो को एडिट करके डालने का। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मिट्टी लाने की रस्म के बारे में आपको बताया था मैंने। तो वो वीडियो हमारी थोड़ा जैसा हमारे सब्सक्राइबर हैं उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी चल गई है। तो मतलब यूजुअली 30 से 60 के बीच में जो व्यूज़ थे वो हमारी वीडियोज़ पे आते थे, लेकिन वो 100 क्रॉस कर गई है। और आप लोग कहेंगे कि 100 क्रॉस कर गई है, ये इतने सारे व्यूज़ हैं क्या? दोस्तों, हमारे लिए यही बहुत सारे व्यूज़ हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो स्टार्टिंग में यही होता है कि अगर थोड़े कम व्यूज़ भी आते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से दीपक के जो शादी की तैयारियाँ थी उनकी वीडियोज़ आगे मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से वो फंक्शन हमारे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दीपक को हल्दी लगाने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, और दीपक को डायरेक्टली यहाँ पर वॉशरूम में बैठा दिया गया है। क्योंकि जैसा कि अभी हमारे जो दिन चल रहे थे 9-10 फरवरी के आसपास, वो काफ़ी ठंडे दिन थे और उस समय काफ़ी ठंड भी लग रही थी, तो इस वजह से गैलरी में बैठाकर हल्दी नहीं लगाई गई, ताकि कहीं शादी के टाइम पे सर्दी खांसी या फिर कुछ किसी तरीके का कोई कोल्ड ना हो पाए। तो इसी वजह से दीपक को डायरेक्टली यहाँ वॉशरूम में बैठा दिया गया, और यहीं वॉशरूम में बैठाकर ही दीपक को जो बाण है और हल्दी वगैरह है वो सारी यहीं पर बैठाकर लगाई गई हैं। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बहनें होती हैं बाण लगाने से पहले इस तरीके से कुछ मूसल टाइप जैसे कुछ लकड़ी से बना लिए जाते हैं, और शायद उसको 6 या 7 बार कुछ इस तरीके से शायद इसमें चावल रखे हुए हैं। ये जो नीचे कागज़ की बनी हुई एक डल्डी बोलते हैं हमारे, उसमें कुछ चावल रखे हुए हैं, और उस चावल में शायद 6 या 7 बार बहनें उसमें ऐसे मूसल से चोट मारती हैं। वो बहनें जो हल्दी लगाने में अपना योगदान देती हैं, जैसे कि बाण लगते हैं तो बहनें ही पहले हल्दी लगाती हैं भाई को, तो वो सारी बहनें जो भी हैं सब मिल के यहाँ पर चावल में 6 नहीं 7 बार ही शायद, या जितने बाण होते हैं उतनी बार मूसल को यहाँ पर चावल में ऐसे मारा जाता है। तो ये एक प्रथा होती है गाँव में कि इस तरीके से चावल में मूसल बहनें मारती हैं। फिर उसके बाद वो सारी बहनें जो होती हैं वो सब मिलके भाई को हल्दी लगाती हैं, और उसके बाद ही आगे का कार्यक्रम किया जाता है। हल्दी वगैरह लगाने का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है। अभी आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से हल्दी लगाई जाएगी। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मम्मी दीपक को हल्दी लगा रही है, और यहाँ पर हमारी बहन ने भी दीपक को हल्दी लगाई। सभी लोगों ने यहाँ पर मिलकर दीपक को हल्दी लगाई, जितनी भी बहनें थी हमारी यहाँ पर आई हुई थी सभी ने दीपक को हल्दी लगाई। और इस वीडियो में थोड़ा सा आगे जाकर ब्लर जैसा सीन कुछ आ गया है, ये वीडियो थोड़ा ब्लर हो गई है और ज़्यादा कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि पहले हल्दी लगाई जाती है, फिर माथे पे कुछ शायद चावल और हल्दी वगैरह लगा के कुछ पूजा वगैरह शायद की जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मम्मी यहाँ पर शायद दीपक की नज़र उतार रही है, और फिर नज़र उतारने के बाद यहाँ पर दीपक के सर पे लाल कपड़ा रख के मंदिर में जाकर पूजा की जाएगी। मंदिर में हमने अपने घर में ही बनाया हुआ है, वहाँ पर जाकर पूजा करेंगे, और फिर उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और आज के कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद आगे के जो बाण हैं और आगे का जो कार्यक्रम है वो कल सुबह शुरू किया जाएगा। कल सुबह मंडा है, और मंडे वाले दिन जो भी बाण लगाने का कार्यक्रम है और क्या क्या प्रक्रिया वहाँ पर की गई है, हमारे घर पर कल सजावट भी शुरू हो जाएगी। कल टेंट वाला जो आएगा वो चुन्नी भी डाल देगा आकर, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में
कि किस तरीके से आगे की सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।